सोनहत थाने के पुलिस स्टाफ पर मारपीट करने के आरोप को थाना प्रभारी ने निराधार बताया। पूरा मामला सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम मदला का है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पिछले शनिवार को वे पास के एक तालाब में नहाने गए थे, जिस पर महिला समूह मछली पालन करता है। महिला समूह ने थाने में 5 लोगों के खिलाफ प्रतिदिन मछली पकड़ने और महिलाओं से बदसलूकी की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाने में उनकी बैल से पिटाई की और 50,000 रुपए की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। लिखाया तो सर चमड़े का बेल्ट था इतना बड़ा, उसमें बहुत इतना जोर जोर से मारे है ना कि दीवार को पकड़ो पकड़ो आके मार। ड्राइवर है सर, नगर सैनिक है, तो उतना पता नहीं है सर, लेकिन हम लोग से वही पैसा मांगा कि फिर मैं अपना काम कर रहा था तो शनिवार को उठा के मेरे को ले गए पुलिस वाले। घर से मेरा स्कूल से ग्राउंड से ले गए मेरे को, ग्राउंड से पकड़ के इसके बाद संतोष के यहाँ गया, संतोष को पकड़े, फिर से मोहन को, फिर हम लोग ले जाके पिटाई किए। कोई मारपीट मेरे स्टाफ द्वारा नहीं की गई है, न ही मेरे स्टाफ द्वारा उनसे कोई पैसे की डिमांड की गई।